नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, मेरे दोनों ही स्पीकर बॉक्स में आप लोगों को पॉलीफिल नज़र आ रही है। मैं एक नए साउंड टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं और साथ में क्रॉसओवर भी कनेक्ट करने वाला हूं दूसरे वाले स्पीकर बॉक्स में जिसमें नहीं लगा हुआ है। पॉलीफिल की क्वांटिटी आप देख रहे हैं दोनों में लगी हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक स्पीकर बॉक्स से मैं पॉलीफिल निकाल रहा हूँ। दोस्तों, सील्ड एनक्लोजर के अंदर पॉलीफिल की क्वांटिटी हम लोगों को ज़्यादा भरनी होती है, जबकि पोर्टेड एनक्लोजर जो होता है उसमें हमें जो पॉलीफिल लगाते हैं या ग्लास वूल लगाते हैं उसकी क्वांटिटी कम लगानी होती है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने इन सील्ड एनक्लोजर के अंदर पॉलीफिल को डाल रखा है। वैसे दोस्तों, ग्लास वूल सबसे अच्छी होती है। ग्लास वूल थोड़ी सी कॉस्टली होती है और मैं भी आप लोगों को आने वाले टाइम में ग्लास वूल और पॉलीफिल की साउंड में क्या डिफरेंस होता है ये दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, मैंने इतनी क्वांटिटी में अपने स्पीकर बॉक्स के अंदर पॉलीफिल डाल रखी थी। लेफ्ट वाले स्पीकर बॉक्स में पॉलीफिल रहेगी, जबकि राइट वाले स्पीकर बॉक्स से पॉलीफिल निकाल के यहाँ रखी है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। और साथ में आप लोगों को क्रॉसओवर की सेटिंग दिखाता हूँ। क्रॉसओवर में हाई फ्रीक्वेंसी यानी ट्विटर के लिए एक सिलेक्टर स्विच होता है जिसपे 0 और 3 लिखा होता है, उसको मैंने 0 के ऊपर रखा हुआ है। और साथ में आप ये देखेंगे, इसका ट्विटर भी मैंने डायरेक्ट क्रॉसओवर से ही कनेक्ट कर रखा है। इस पर कोई पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर नहीं है। ये वाला पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर मैंने इस वाले स्पीकर बॉक्स से निकाला है, यानी इस ट्विटर से निकाला है, और क्रॉसओवर भी इसके अंदर सेट कर दिया है। क्रॉसओवर इसमें पहले लगा नहीं था, पिछले साउंड टेस्ट में मैंने इसमें डायरेक्ट चलाया था। और ये देखिए, दूसरे वाले क्रॉसओवर का भी सिलेक्टर स्विच आप लोगों को दिखाता हूँ, उसको भी मैंने 0 पे रखा हुआ है। 0 का मतलब ये है कि इस क्रॉसओवर के अंदर जो 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं ट्विटर के लिए, वो तीनों ही काम करेंगे। उसमें भी साउंड का डिफरेंस आता है, कभी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। अभी आप लोग ये देखिएगा कि ये जो साउंड टेस्ट मैं करने जा रहा हूँ, इसके लिए देखिए, मैंने पहले अपना वूफर को निकाला, ट्विटर को निकाला, उसके बाद मैंने अपनी पॉलीफिल को निकाला, क्रॉसओवर की सेटिंग की है, और साथ में इसके फ्रंट में जो कवर थे वो भी निकाले हैं। अब इन सबको मुझे वापस में असेंबल भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कोई भी साउंड टेस्ट करता हूँ वो आप लोगों को दिखाने से पहले मुझे बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है, इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साउंड टेस्ट का वीडियो मैं जल्द ही डालने वाला हूँ, इससे पहले आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए कि जो नेक्स्ट साउंड टेस्ट आने वाला है, एक स्पीकर बॉक्स में पॉलीफिल होगी और दूसरे में नहीं होगी, तो उससे साउंड टेस्ट में क्या डिफरेंस आ सकता है, आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।